आज के वीडियो में हम फाइनेंस निफ्टी के या फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहने वाले हैं इसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम एंजल वन की एप्लीकेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम मार्केट का रिव्यू कर लेते हैं। तो आज आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक नेगेटिव नोट पर क्लोज होते हुए नजर आए हैं। ऐसे में जो फाइनेंस निफ्टी में हमने कल के दिन में प्रेडिक्शन किया था उसके आधार पर हम देखते हैं कि फाइनेंस निफ्टी का जो हमने प्रेडिक्शन किया था उसमें लेवल्स हमें किस प्रकार के देखने को मिले हैं। तो आपको एंजल वन की एप्लीकेशन पर आना है और एंजल वन पे के एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको इंस्टाटेड एफएनओ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ट्रेडिंग करना दोस्तों फास्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे इजी ट्रेड वे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं एंजल वन के एप्लीकेशन को ही हमेशा यूज़ करता हूँ और आप भी एंजल वन के एप्लीकेशन को यूज़ करें। अगर आपने अभी तक के अपना डिमेट अकाउंट एंजल वन में ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप फटाफट एंजल वन में अपना डिमेट अकाउंट ओपन करें और यहाँ की शानदार सर्विसेज का लाभ लें, क्योंकि हम सारा कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि प्लस का आइकन को प्रेस करके हम यहाँ से फाइनेंस निफ्टी को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने फाइनेंस निफ्टी पहले ही ऐड करके रखा है तो आप फाइनेंस निफ्टी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने 28 मार्च एक्सपायरी का फाइनेंस निफ्टी लगाया है, अब मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक करूँगा तो मेरे सामने फाइनेंस निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लग जाएगा और यहीं पे मुझे टूल बार देखने को मिलता है। अगर मैं टूल्स ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ से अलग अलग टूल्स को लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से टूल ऑप्शन को लगा सकता हूँ साइड बार से, और इसके साथ ही मैं यहाँ से एफएक्स ऑप्शन का यूज़ करके अलग अलग इंडिकेटर को ड्रॉ कर सकता हूँ, अपने ट्रेडिंग को यहाँ से इजी कर सकता हूँ। जैसे कि बात करते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हमने बात की थी फाइनेंस निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की, तो आज आपको देखने को मिलेगा कि जो हमने लेवल को आइडेंटिफाई किया था 18,000 का, इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बताया था। आज फाइनेंस निफ्टी ने 18,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को लिया और वहीं से हमें जो हमने एक इसका लो पॉइंट जो आइडेंटिफाई किया था 17,700 का, आज आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्ट वहाँ तक के फाइनेंस निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिली है। अब बात आ जाती है कि जो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में फाइनेंस निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या रहने वाले हैं। तो हम यहाँ से टूल ऑप्शन से हम कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि हम यहाँ तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसका एक लो पॉइंट है इसके ऊपर हम ला के रख देते हैं। तो इसके एक लो पॉइंट पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसके हाई पॉइंट पर ला के हम ड्रॉ कर देते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पर हाई पॉइंट पर ला के रख देते हैं, तो इसका एक हाई पॉइंट इसका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और लो पॉइंट इसका सपोर्ट बन जाएगा। तो जैसे अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये बन चुका है, अब इसके साथ ही अगर हम चाहते हैं कि इसमें अगला रेजिस्टेंस और अगला सपोर्ट क्या रह सकता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे फाइनेंस निफ्टी ने यहाँ से एक गिरावट दिखाई थी और यहाँ से एक वीकनेस आई थी, तो इसने जो सपोर्ट लिया 17,700 का, अगर ये सपोर्ट फाइनेंस निफ्टी ब्रेक कर देता है तो हमें फाइनेंस निफ्टी में बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और यहाँ से जो पहला सपोर्ट अब यहाँ से जो बनता है ये 17,600 का आपको देखने को मिलेगा, और अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक करता है तो हमें फाइनेंस निफ्टी में 17,400 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर फाइनेंस निफ्टी 17,700 के सपोर्ट को होल्ड कर लेता है और उसको होल्ड करने के बाद वापस ऊपर की ओर मूव करता है तो हमें फाइनेंस निफ्टी में ऊपर की ओर 17,800 से लेकर 17,900 और 18,000 तक के हमें अपसाइड के रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल के ऊपर आपको विशेष तौर पे नज़र रखनी चाहिए। साथ ही आपको एमएसडी लाइन में भी यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाता है तो फाइनेंस निफ्टी हमें वापस से अपसाइड में मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम फाइनेंस निफ्टी में ऑप्शन के माध्यम से हम काम करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन चेन यहाँ देखने को मिल जाती है। इस ऑप्शन चेन के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। अभी जो एक्सपायरी होने वाली है फाइनेंस निफ्टी की 28 मार्च ही होने वाली है। ऐसे में जो फाइनेंस निफ्टी में अगर हमें लगता है कि यहाँ से हमें कंटिन्यू गिरावट और देखने को मिल सकती है तो आप 17,700 का एक पुट के साथ जा सकते हैं या 17,800 का एक पुट के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि फाइनेंस निफ्टी जो है 17,700 का सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ सकता है, इस कंडीशन में आप 17,700 का कॉल को हम कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखना चाहते हैं तो 17,600 का कॉल भी एक अच्छा लगता है, इसके साथ भी हम जा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि मार्केट में कंटिन्यू गिरावट होने वाली है और हम मार्केट में 17,700 का पुट कॉल लेना चाहते हैं तो हम एलटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे जो इस समय 116 पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इसमें हम बाय ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलेगा, इस बाय बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको सिंगल वन लॉट में पोजिशन बनाना है, एक मेंशन करेंगे, एक लॉट में 40 क्वांटिटीज आती है, करंट प्राइस के साथ जो हमें मार्जिन लगने वाला है ये 4,642 लगेगा। आपको अलग से चार्जेस कितने लगने वाले हैं ये देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको देखेगा कि यहाँ पे ओनली 26.65 रुपीज़ ही हमें लगने वाले हैं और यहाँ पे आप बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म ऑर्डर करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब कि अभी मार्केट ऑफ है, लेकिन जैसे मार्केट लाइव होगा तो आपको यह देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम ऑफ मार्केट में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यस ऑप्शन पर प्रेस करेंगे, हमारा ऑर्डर यहाँ पर सबमिट हो जाता है।
ऑर्डर सबमिट होने के बाद जब हमारी पोजीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी तो हमारा P&L हमें सेम विंडो पे देखने को मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम अपना पोटेंशियल रिटर्न को बुक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेल ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने पोजीशन को यहाँ से स्क्रोल अप कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्डर कुछ में कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने ऑर्डर में प्राइस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या आप करंट प्राइस पर आप अपने शेयर को यहाँ से आप बेच सकते हैं। साथ ही आप ये एरो साइन का यूज़ करके आप यहाँ से टूल ऑप्शन को लगा के आप हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। FX ऑप्शन का यूज़ करके आप अलग अलग इंडिकेटर को लगा के यहाँ से आप अपने चार्ट में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना ईजी इतना आसान है एंजल वन एप्लीकेशन में इंस्टाट्रेड को यूज़ करना। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट एंजल वन में ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज ही अपने डीमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें और यहाँ की शानदार सर्विस का लाभ लें, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग करना काफ़ी ईजी काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि आप सारे काम एक ही विंडो पर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।